कौशल ततारपुर जिलाध्यक्ष रहे आम आदमी पार्टी के और आजकल आम आदमी पार्टी में यूथ विंग में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। कौशल जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। आपकी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी बिल्कुल। गठबंधन की बात चल रही है कहीं? नहीं, 90 की 90 सीटों पर हम चलिए अकेले चुनाव लड़ेंगे। पहले अपनी बात आप कहिए फिर पूछेंगे आपसे। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और अभी पिछले 15 दिनों में आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर 45 जनसभाएं करके ये साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अपनी जड़ें जमा चुकी है। और हरियाणा की जनता जो अब तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जजपा, इनेलो, इन सब की सरकारों से जो तंग आकर, परेशान आकर अब आम आदमी पार्टी को एक विकल्प में चुनना चाहती है, ये बात सिद्ध हो चुकी है जी। और आम आदमी पार्टी वादा नहीं करती, ये गारंटी देती है। हम अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटियों के साथ चुनावी मैदान में हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियाँ वो होती हैं जो वो सिर्फ कहते ही नहीं, पूरी भी करते हैं। हमारी पंजाब और दिल्ली के अंदर भी सरकार है, हमने जो दिल्ली में कहा वो करके दिखाया, पंजाब में जो कहा वो करके दिखाया और हरियाणा के अंदर भी हम 5 गारंटियाँ लेकर आ रहे हैं। पहली, हमारी सबसे पहली गारंटी है अच्छे स्कूल बनाने की गारंटी, जिसमें पर्याप्त मात्रा में अध्यापक होंगे, सारी फैसिलिटीज होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा और पूरी की पूरी शिक्षा मुफ्त मिलेगी। दूसरी गारंटी है स्वास्थ्य की गारंटी, हम सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों को बहुत शानदार करेंगे, इंफ्रा डेवलप करेंगे उनका और अस्पतालों के अंदर सभी प्रकार के दवाइयाँ, सभी मशीन, टेस्टों की मशीन और डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे, जिसमें 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का इलाज अगर किसी का होता है तो पूरा का पूरा मुफ्त होगा और शानदार होगा। तीसरी हमारी गारंटी है 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री, जो कि 24 घंटे होगी, यानी कि 24 घंटे बिजली हरियाणा के लोगों को मिलेगी, उसमें से 300 यूनिट बिजली का जो है वो फ्री होगी। चौथी गारंटी 18 वर्ष से ऊपर की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि के रूप में आम आदमी पार्टी देगी। पांचवी गारंटी जो बार बार अभी हम उसे पूर्व के नेताओं से आपने सवाल पूछे थे रोजगार के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी पांचवी गारंटी में कहते हैं कि हरियाणा के हर युवा को उसकी योग्यता के आधार पर निष्पक्षता से रोजगार दिया जाएगा। मतलब थैले में बहुत सारी रेवड़ी लेकर के आए हो? सर रेवड़ी नहीं है, ये जनता की मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत अधिकार है, इसको संवैधानिक अधिकार भी हम कहते हैं। अभी आप कह रहे थे कि आपकी पार्टी बड़ी मजबूत हुई है, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। एक लोकसभा में आपकी पार्टी चुनाव लड़ी थी जी, इंडिया गठबंधन में जी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सारी उनकी वोट थी। अगर सारी उनकी वोट थी तो बाकी 4 विधानसभा क्यों नहीं जीते? कौन से बाकी 4 विधानसभा? भाई 5 में वो जीते हैं, 4 में और थे ना, वहां भी जीत जाते। हम तो ये कहते हैं आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ा, ये हमारा पहला ऐसा चुनाव था जिसको हमने पूरे ताकत के साथ, बल्कि अपने नेता के अभाव में। उससे पहले आपके पार्टी के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष फरीदाबाद लड़ने आए, तब ताकत कहाँ चली गई थी? तब ताकत क्यों नहीं लगाई थी? सर हमारी पार्टी को भी पैदा हुए मुश्किल से 12 साल हुए हैं। दो सरकार तो दिल्ली में 1.5 साल दो अक्टूबर अभी तो आपकी पार्टी घुटना चलना शुरू नहीं हुई थी, दिल्ली की सत्ता मिल गई थी आपको। ये हमारी, हमारे नेताओं की, हमारे नेताओं की ईमानदारी, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और ईश्वर का आशीर्वाद था कि पार्टी बनने के साथ साथ ही हमें दिल्ली की जनता ने दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दिया, और एक बार नहीं लगातार 3 बार दिया। और जो तीनों जो जीत थी वो ऐतिहासिक जीत थी। पहले जीत इसलिए ऐतिहासिक थी कि मुश्किल से 1 साल पहले ही पार्टी बनी थी और 1 साल के अंदर अंदर ही हमने दिल्ली में सरकार बनाई। दूसरी जीत 2015 में इसलिए ऐतिहासिक थी कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी, 70 में से 67 जीत सीट जीतकर हमने दिल्ली में सरकार बनाई जी। और तीसरी बार हमने 70 में से 62 सीटें जीतकर बनाई। आज तक के इतिहास में मग्गू जी आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप जितने भी साथी बैठे हैं बहुत सीनियर हैं, मैं बहुत छोटा हूं, बहुत बच्चा हूं अभी जी। आज तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक मंच से न्यूज चैनल पर बैठकर यह नहीं कहा कि मैंने काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना। लेकिन 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने हर मंच से यह बात दिल्ली की जनता से कही थी कि अगर मैंने आपके लिए काम किया है तो आप मुझे वोट देना और नहीं किया हो तो बिल्कुल मत देना। और इसका परिणाम यह था कि 70 में से 62 सीटें
दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को दी। जी हरियाणा की बात करते हैं जी, सुनीता केजरीवाल आपकी पार्टी की अब तो नेत्री कहते हैं उनको। हाँ बिल्कुल नेत्री हैं अब तो। बिल्कुल बिल्कुल आपकी पार्टी की नेत्री हैं जी। आजकल वो हरियाणा में उनकी कई सभाएं हुई हैं जी। कह रही हैं जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण हुए थे तो जन्माष्टमी के दिन ही, अभी जन्माष्टमी आने वाली है मनाएंगे हम भी, कह रही हैं कि जन्माष्टमी के दिन अरविंद केजरीवाल पैदा हुए। बिल्कुल भगवान कृष्ण से तुलना कर रही हैं उनकी। नहीं तुलना नहीं, तुलना नहीं की उन्होंने, उन्होंने कहा कि ये भी एक संयोग ही है। अच्छा, कि अरविंद अरविंद केजरीवाल जी का जन्म भी जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था। हाँ। और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने इन आतताइयों का अंत किया, उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी भी इन तानाशाहियों का अंत करेंगे। हरियाणा का लाल कह रहे हैं केजरीवाल को। बिल्कुल हरियाणा का लाल आप भी, मैंने दिखा लिखा कई जगह आपके स्लोगन होते हैं, हरियाणा का लाल करेगा कमाल, ऐसा करेगा कमाल, ऐसा ही कुछ है ना। 2014 में आपकी पार्टी बनी, 2013 में बनी, 2013 में हरियाणा का लाल तो तब भी थे पहले। आप यूपी में आपके लाल, हरियाणा के लाल, हरियाणा को छोड़ करके दिल्ली गए, यूपी गए, यूपी में दाल नहीं गली तो वहां से फिर दिल्ली गए, यूपी की राजनीति की कुछ दिन के लिए, उसके बाद दिल्ली गए, ठीक है। अब आप हरियाणा में कह रहे हैं, दूसरी बात अभी आप कह रहे हो ताकत से लड़ेंगे। 2014 का चुनाव आपकी पार्टी ने लोकसभा का लड़ा, बिल्कुल लड़ा, हरियाणा में भी लड़ा, बिल्कुल लड़ा, विधानसभा का लड़ने की हिम्मत नहीं की फिर वो समय की जी, आप आगे बताइए। विधानसभा का लड़ने की हिम्मत नहीं की उस समय, नहीं लड़े चुनाव आप, ठीक है। 2019 का चुनाव आपने अलायंस में लड़ा, सुरेंद्र सरोज जी बैठे हैं मुझे पता अच्छे से, नवीन जयहिंद और सुरेंद्र सरोज दोनों इकट्ठे वोट मांग रहे थे, हमारे पुराने साथी रहे 2019 के चुनाव। अब दोबारा साथी बनने जा रहे हो क्या? नहीं नहीं अब तो फिलहाल तो ऐसा नहीं है, उनको उनकी पार्टी के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम सभी को। अच्छा अभी ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ जाएंगे, अभी तो हम अकेले ही 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे। अभी आपने कहा कि 2014 का चुनाव बड़ी चर्चा है, वो नीले वाले बैठे हुए हैं केतली वाले, उनके भी कह रहे हैं कि चर्चा हो रही है तीनों की। नहीं सब... किसी ने बताया आपकी पार्टी के नेताओं ने आपको, अगर कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा कोई खिचड़ी पक रही हो? नहीं नहीं ये तो आप लोगों का काम है इस प्रकार की चर्चाएं बनाने का, तो आप काम करते रहिए, उसके लिए शुभकामनाएं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। हम आम आदमी पार्टी मैं वापिस आ रहा हूँ, हरियाणा का लाल करेगा कमाल, हरियाणा का लाल 14 साल कमाल हरियाणा में क्यों नहीं किया? 2012 से शुरू किया संघर्ष, आप ही कह रहे हैं राजनीति शुरू की, 12 साल तो हो गए 2012 से शुरू होकर 2024, ठीक है। अब हरियाणा में ऐसा क्या दिखने लगा कि एकदम से हरियाणा में कमाल हो जाएगा? देखिए हमारी आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक सफर की शुरुआत दिल्ली से हुई थी जी, 2013 में 2 अक्टूबर 2013 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई जी। उसके बाद हमने पहला चुनाव दिसंबर 2013 में लड़ा जी, और 49 दिन की सरकार के बाद हमने सरकार से इस्तीफा दिया जी, और उसके बाद जी 2014 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जी। जो मात्र 6 महीने पुरानी पार्टी थी उसने 400 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा, और 4 सांसद भी हमारे उस समय हुए, हमने पूरे देश में चुनाव लड़ा था और 4 सांसद भी हमारे थे। अब हरियाणा के इलेक्शन है, हरियाणा की बात है, हरियाणा की राजनीति है, हरियाणा का लाल है, क्या कमाल करेगा वो बात है सर। बिल्कुल कमाल करेंगे सर, हरियाणा की जनता ये बात जानती है कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के साथ ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रोपगंडे करके, फर्जी मुकदमे करके उनको जेल में डाला हुआ है। इस बात से हरियाणा की जनता बिल्कुल नाराज है, रुष्ट है, और इनको इस चुनाव में इस बात का सबक सिखाएगी भी। विपक्षी लोग ये कहते हैं कि आप सहानुभूति लेने के लिए सारी बातें कर रहे हो कि जी हमारे साथ गलत हो रहा है, सहानुभूति तो मिली नहीं रही फिर भी। नहीं सहानुभूति कहाँ ले रहे हैं, हम तो सच कह रहे हैं। 7 सीटों पे दिल्ली में चुनाव लड़े, 7 सीटें हार गए, बुरी तरह हार गए चुनाव। पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, वो स्थिति जो बननी चाहिए थी जहाँ से शुरू हुए थे आज भी वही है। 2014 में 3 पे शुरू हुए थे पंजाब में, आज भी 3 ही है। 2014 में 4 पे शुरू हुए थे पंजाब में, 3 थी नहीं 4 थे उस समय, 4 थे आज 3 है, ये कम हो गए। ये बात देखिए लोकसभा चुनाव का दिल्ली का इतिहास लगभग ऐसा ही रहा है कि उन्होंने हर बार केंद्र में जो पार्टी होती है, सरकार होती है, उसी को वो प्रायोरिटी देते हैं, उसी को जीत देते हैं। लेकिन विधानसभा में आप देखिएगा 2025 में फरवरी में फिर से चुनाव है, हम ये उम्मीद करते हैं और हमें भरोसा भी है इस बात का कि पिछली बार तो 67 थी, अब की बार 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के होने वाली हरियाणा की। बता दो हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे।
पक्का भरोसा है, पक्का भरोसा है, ये बात लिख के ले लो। कौशल तो अच्छा लिखने की बड़ी आदत है आप लोगों की यार, वो अरविंद केजरीवाल के लिखे हुए अब की बार तो फेल हो गए सारे। ना कहा फेल हो गए, पंजाब मिल के आए थे, चन्नी जी को बोला था हारेंगे, हार गए, दो जगह से हार गए। नहीं उसके बाद तो फेल हो गए, लोकसभा में तो सारे फेल हो गए सारे। नहीं लोकसभा में लिख के नहीं दिया, लोकसभा में ठीक कहा, लोकसभा से पहले तो भाजपाइयों ने डर के जेल में डाल दिया उनको। अरे गुजरात इतनी डरी हुई थी भाजपा, इतनी डरी हुई थी भाजपा कि पहले ही डर के मारे जेल में डाल दिया। किस मुकदमे में? आज जितना बड़ा करप्टेड देश का कोई, देखिए जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा में उतना बड़ा पदाधिकारी। आप पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, कहीं भी चले जाइए, एक एक बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी को इन भाजपाइयों ने ढूंढ ढूंढ के भाजपा में शामिल कर लिया। जो इनके आगे झुके नहीं, जिनकी नजरें नहीं झुकी, उनको जेल में डाल दिया। अजीत पवार, उसके लिए किसने कहा था करप्टेड आदमी? नरेंद्र मोदी जी ने। क्या उसमें झूठ बोले थे नरेंद्र मोदी? छगन भुजबल, उसके लिए किसने कहा था कि करप्टेड है? किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने। क्या उस समय झूठ बोल रहे थे? हेमंत बिस्वा सरमा, किसने कहा था? एक बुकलेट जारी की थी सिंचाई घोटाले पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, बीजेपी ने, हेमंत बिस्वा सरमा के लिए कि ये करप्टेड आदमी है। अब वो किसका मुख्यमंत्री है? भाजपा का। तो जितने भी देश के अंदर बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो आज भारतीय जनता में पार्टी में उतने बड़े पदाधिकारी हैं। कौशल जी, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि आप आरोप लगा के भाग जाते हो। सर सिद्ध कर दीजिए ना, हम ये कहते हैं सर, हम ये कहते हैं आप आरोप लगाते हो, वो कोर्ट में जाते हैं, फिर आप कोर्ट, फिर आप एफिडेविट देते हैं। इतनी माफीनामा मनीष सिसोदिया के ऊपर इतनी ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड को चवन्नी मिली? अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतनी ईडी की, सीबीआई की, आईटी की रेड हुई को चवन्नी मिली? इनके घर के नेताओं मिलते हैं, कर्नाटक में मिलते हैं 8 करोड़ रुपए भाजपा के घर में, क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? किसी की नॉलेज में बता दे, कोई भी आदमी चैलेंज करके कहता हूं मैं, क्या हुआ उसका? चवन्नी मिली नहीं। किसी भाजपा के नेता के घर मिले थे ना 8 करोड़ रुपए चुनाव के दौरान, क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? चवन्नी मिली नहीं, 18 महीने तक बेल नहीं मिल रही, 18 महीने बाद बेल मिलती है। तो अदालत की इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन है, इतनी सारी उसके अंदर कोर्ट वो लगाती है आप पर, भाई आप ये नहीं करोगे, पीएमएलए आप सेक्रेटरिएट नहीं जाओगे। पीएमएलए एक्ट में, पीएमएलए एक्ट का, पीएमएलए 45 सेक्शन का ए सेक्शन जो है वो ये भी कहता है, उसमें कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि इस कानून के तहत जो उन्होंने दिया था, इस कानून के तहत ये केस 1 मिनट भी कोर्ट में नहीं टिकेगा। टिका तो हुआ है, कहां अभी, कहां जुडिशियल ट्रायल में, कहां है अभी? देखो ट्रायल में कहां है सर? अरविंद केजरीवाल को, हाँ अरविंद के मामले में बेल दे दी ईडी के मामले, हाँ सीबीआई के मामले में कोर्ट फिर बेल नहीं दे रही। अब देखिए आप, राउस एवेन्यू की लोअर कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी को ईडी कोर्ट में बेल दे देती है। नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं, पहले राउस, ठीक है, राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में उनको बेल दे दी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। बेल का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, उससे पहले ईडी बिना सोए रात को दौड़ी दौड़ी जाती है, सांस फूलता हुआ हाईकोर्ट पहुंच जाती है, और हाईकोर्ट में बिना ऑर्डर पड़े स्टे लगा देता है। कमाल है भैया, ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने, हम जब तक हम ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। हमारे वकील ने कहा कि जी हाई कोर्ट ने कर दिया, वो कहता है हाई कोर्ट जैसे बेवकूफी करता है, हम थोड़ी करेंगे। कौशल जी ऐसा ही तो सुनो, सर सुनो, एक मिनट, ऐसा हुआ था ना, सुनो, उसके बाद आप मेरी सुनो, राउस एवेन्यू कोर्ट बेल दे दे तो वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। हाई कोर्ट बेल कैंसिल कर दे, पता नहीं मोदी के पास चले गए, नहीं नहीं हमने, सुप्रीम कोर्ट अगर एक बेल दे दे तो फिर हमने सत्यमेव जयते, ना मैंने यहां बैठकर में बेल ना दे तो फिर वो सत्यमेव जयते के सर में जयते, मतलब ना सर, मैं ना तो मैंने यहां बैठ के अपनी जुडिशियरी पे कोई सवाल उठाया है, ना मेरे नेताओं ने, अभी आपने कहा, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, हाँ बिल्कुल मैंने ये कहा, हाई कोर्ट ने बिना बेल ऑर्डर अपलोड हुए, आपके सब नेताओं ने कहा, आपने आप क्यों ये गलत थोड़ी है, झूठ थोड़ी कह रहे हैं हम, सच कह रहे हैं। हाई कोर्ट ने बिना बेल ऑर्डर अपलोड हुए ही उस पर स्टे लगा दी, ठीक, कौन सी प्रणाली है? चलिए हरियाणा हुआ था ना, हरियाणा पे वापस आते हैं जी। तो अभी आपने कहा हरियाणा से पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में जनता आपकी सरकार बनाएगी, बिल्कुल, अपने दम पर या गठबंधन? अपने दम पर, तो गठबंधन की कोई बात नहीं चल, नहीं किसी से कोई बात नहीं, किससे करेंगे गठबंधन? इनके खिलाफ तो पर लड़ रहे हैं। किनके खिलाफ? कांग्रेस, जजपा, इनेलो। मैंने आपको दो नाम कहे, एक जजपा वाले
आपके साथ पहले आपके पुराने पार्टनर, दूसरा मैंने कहा वो नीले पटके वाले, वो भी हंस रहे थे और आप भी हंस रहे थे, मैंने कहा आप दोनों की भी कोई खिचड़ी पकड़ रही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम हर उस पार्टी के खिलाफ हैं। बड़े नेताओं से बात हुई है इस बारे में, कोई क्या कोई बात चल रही है क्या? हाँ परसों ही बात हुई थी। अच्छा। परसों ही हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने ये सोना के अंदर हमारी दो लोकसभाओं की मीटिंग थी, वहां पर ये घोषणा की है कि 90 के 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। फरीदाबाद लोकसभा में 9 सीटें हैं जी, कितने आवेदन आ चुके पार्टी के पास? पार्टी के पास हर सीट से कम 3-3, 4-4 आवेदन अभी हैं। जिस लोग विधानसभा से मैं आता हूँ वहाँ पर भी हम कौशल ततारपुर की तैयारी पथरा में है। हाँ बिल्कुल तैयार है, तैयारी है, बिल्कुल तैयारी, पूरी तैयारी है, बिल्कुल पूरी तैयारी। पीछे तो नहीं हटोगे? नहीं नहीं पीछे हटने का सर सवाल पैदा नहीं होता। चलिए मिनट एक बात और बोल दूं आपको जी, आपकी सरकार दिल्ली में हो, पंजाब में हो, अब हरियाणा में बात कर रहे हो, आपकी पार्टी के नेताओं के जो अपने सर प्राइवेट स्कूल है उनको बंद करवा दोगे क्या? प्राइवेट स्कूल अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो गए और उनमें लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डालने लगे तो प्राइवेट तो अपने आप बंद हो जाएंगे। ये तो सीमा त्रिखा भी कह रही है, आप कौन सी नई बात कह रहे हो? सीमा त्रिखा भी कह रही है। सीमा त्रिखा ने, सीमा त्रिखा जी ने, सीमा त्रिखा जी, सीमा त्रिखा जी ने, मैंने आपसे पूछा कि आपकी पार्टी के नेताओं के जो स्कूल चला रहे हैं क्या उनके स्कूल बंद करवा दोगे? आप उनसे कहोगे तुम स्कूल बंद कर दो, अपने सरकारी स्कूलों में बच्चों भेजे, बच्चे भेजो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम जनता को एक विकल्प दे देंगे। देखिए निजीकरण क्या है, सरकारी सरकारी संस्थाओं के विफलता का मापक निजीकरण है। जब सरकार फेल हो जाती है तो निजीकरण का मतलब उत्पन्न होती है, वो उसमें आती है। जब सरकारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी तो हर आदमी अपने बच्चे को सरकारी संस्थाओं में डालना चाहेगा, पढ़ाना चाहेगा, तो वो अपने आप जो प्राइवेट स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे। मैं दूसरी बात बता रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इतना शानदार कर देंगे, उनके अंदर हर प्रकार की क्या करो विधायक जी, अच्छा अच्छा, उनके अंदर हर प्रकार के टेस्ट की मशीनें जी, डॉक्टर नर्स सारी सुविधाएं उनमें रखेंगे, तो गरीब आदमी बेचारा जो एक आम आदमी है जिसके पास इंश्योरेंस के पैसे नहीं है, जो कम कमाता है, या कोई भी आदमी अपना इलाज ठीक से करा सके। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इलाज के चक्कर में जिनके घर बिके हैं, मकान बिके हैं, खेत बिके हैं और बाद में उनका आदमी भी चला गया। यहाँ बैठे सब लोग ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे कि इलाज के लोगों ने घर भी बेचे हैं, मकान भी बेचे, कर्जे भी किए हैं और फिर भी उनका आदमी चला गया है जी। तो अगर सरकारी संस्थाएं ठीक हों, सरकारी अस्पताल ठीक हों, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, सबको अच्छा निःशुल्क इलाज मिलेगा। चलिए तीसरा बिजली की मैं बात कर रहा था, 300 यूनिट बिजली हर महीने हम लोग देंगे जिसमें 24 घंटे बिजली आएगी। पांच गारंटी पहले होगी और उनके अलावा गारंटी हो सर, पांच ही हुई है वो तो। चलिए तो कौशल जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे साथ समय दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको बहुत शुभकामनाएं इस प्रकार के सफल कार्यक्रमों के लिए जी जी जी। और मैं तो ये चाहूंगा भी कि राजनीतिक पार्टियों को इस प्रकार से जनता के सवालों से का सामना भी करना चाहिए और कुछ जो राय सामने से आती है उनको स्वीकार भी करना चाहिए। मास्टर जी आपकी राय को मैं स्वीकार करता हूं, इस बात को हम जरूर इसमें रखेंगे और मुझे उम्मीद है इस पर आप हमें वोट भी देंगे। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।